हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी बोलो। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन विला जो कि बजट ऑप्शन के अंदर है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें रियल एस्टेट के बारे में। और हम आज आपके लिए जो विला लेकर के आए हैं वो बहुत ही बजट फ्रेंडली विला होने वाला है, बहुत ही स्पेशियस है। लोकेशन की बात करें, HP पेट्रोल पंप के पास हातोज में आपको मिलता है, ईस्ट फेसिंग है, कालवा रोड से सिर्फ और सिर्फ खाली 250 मीटर की दूरी पे है। और अगर हम बात करें तो यह है सोसाइटी पट्टे का बना हुआ। और डायमेंशंस की बात करें तो 15x45 75 गज में आपको ये विला मिलता है। 30 फीट की रोड इसके सामने है, 24 घंटे की पानी की सप्लाई आपको यहाँ पे मिलती है बाय दी बोरिंग विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी बोरिंग। और अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। प्राइस की जो बात है तो प्राइस जो डिस्क्लोज करेंगे वो हम वीडियो के आगे पार्ट में डिस्क्लोज करेंगे, वीडियो में आप बने रहिए। तब तक के लिए आप जो है पहले करिए इसका एक क्विक टूर, फिर हम बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो चलिए अब हम करते हैं इस विला का डेप टूर। अगर हम विला के फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो बहुत बढ़िया फ्रंट एलिवेशन दिया हुआ है। दो विला आपको यहाँ पे मिलते हैं अगल बगल में, और 30 फीट की रोड आपको यहाँ पे दी हुई है, आप देख पाएंगे। आइए अब हम अंदर चलते हैं। जैसे आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको पार्किंग के लिए पोर्च, और इधर भी एडिशनल स्पेस आपको यहाँ पे दे रखी है किचन की वेंटिलेशन के लिए। सीलिंग की डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। टैंक का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिलता है, मीटर के लिए सेपरेट मीटर बॉक्स आपको यहाँ पे दे रखा है, और बहुत बढ़िया और स्पेशियस है। अगर हम स्पेस की बात करें तो एक अच्छी सी जो सिडान है वो यहाँ पे इजीली पार्क की जा सकती है, टू व्हीलर भी आपके यहाँ पे दो खड़े हो जाएंगे इजीली। और हम जैसे यहाँ एंटर करते हैं तो हम लिविंग हॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया जो है, यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलता है अटैच्ड। वॉशरूम आपको यहाँ पे अटैच मिलता है, और पेंट जो है इन्होंने टेक्सचर्ड पेंट का इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सीलिंग की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन करी है। और यहाँ पे एडिशनल स्टोरेज ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। टीवी के लिए वुडन पैनल मिलता है आपको। और अब हम चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम में जो है इतना सारा काफ़ी बढ़िया स्पेस में बेडरूम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी लॉबी मिलती है जहाँ पे आप अपना वॉशिंग भी कर सकते हैं, और एसी के आउटडोर यूनिट वेंटिलेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन की अगर हम बात करें तो किचन मिलती है आपको मॉड्यूलर किचन, सभी रैक्स आपको दिए गए हैं जो चाहिए होते हैं हमें सामान रखने के लिए। वार्डरोब आपको यहाँ पे मिलते हैं किचन में, एडिशनल रैक्स वगैरह, और चिमनी के लिए आपको ऑप्शन छोड़ रखा है इन्होंने। फिटिंग्स के लिए सारे फिटिंग्स जो है कर दी जाएंगी, और रेफ्रिजरेटर के लिए सेपरेट आपको स्पेस दी जाती है, यहाँ पर अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और अगर हम स्टेयर्स की बात करें तो स्टेयर्स में ग्रेनाइट और टाइल्स का दोनों का ही यूज़ किया है इन्होंने। आ चुके हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट के अंदर आपको मिलते हैं बेडरूम्स। सीलिंग की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मिलता है आपको एक वॉशरूम अटैच, और ये हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। काफ़ी अच्छा और एम्पल स्पेस में है, एसी की फिटिंग आपको यहाँ पे दी गई है, डिश केबल के लिए भी फिटिंग आपको यहाँ पे दे रखी है, छोटी सी लॉबी आपको यहाँ पे मिलती है एक वेंटिलेशन के साथ में। अगर हम बात करें चौखटों की तो स्टोन की पत्थर की चौखट है ये सारी की सारी, यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, टेक्सचर्ड पेंट यहाँ पे किया हुआ है, बहुत बढ़िया बेडरूम है, काफ़ी अच्छी स्पेस में है बेडरूम।
आप अगर टू डबल बेड भी लगाएंगे तो भी स्पेस आपको कम नहीं पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे आपको मिल जाती है एक बालकनी जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, अपना शाम का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रूफ टॉप की तरफ। रूफ टॉप पे भी जो है आपको फ्लोरिंग पे टाइल्स मिलने वाली है, जिससे कि आपके नीचे जो है सीलन की कोई समस्या नहीं होगी और आप आसपास का पूरा एरिया देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रीन एरिया है और बहुत ही बढ़िया एरिया है। काफ़ी सारे मकान बन रहे हैं आसपास में, आप नज़र घुमाएंगे तो भैया। जैसे अगर हम बात करें, आपने देखा इस विला को, और हम प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 26.5 लाख रुपए में ये विला आपको मिलता है सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि लेटेस्ट सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें हमारे चैनल के। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो के अंदर।